सीटेट 2021 को 100% पास करना चाहते हो, आपके नंबर पिछली बार उतने नहीं आए जितने सीटेट में आप डिजर्व करते थे, या फिर आप एक दो नंबर से रह जाते हो और आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें संधि और समास को मैंने टारगेट किया है, और इन क्वेश्चंस को आप सीटेट के एग्जाम में करके गए तो आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। और दोस्त, हमारे इन वीडियोस की खास बात यही है कि आप लोगों का जो बेस है वो तो स्ट्रांग होता है ही, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए, और ऐसी वीडियोस को ही देखने का फायदा होता है जिनको आप देखें और उनसे आपको एग्जाम में मदद मिले और क्वेश्चन आए। तो दोस्त, टाइम निकालिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, 10 में से 10 नंबर स्कोर करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। चलिए दोस्त, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। उससे पहले, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को नीचे से यहीं कहीं से लाइक करना है और अपने नंबर जरूर लिखने हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हमारी बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम आएगा 31 जनवरी को, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको हमारी बैक टू स्कूल की ऐप के अंदर से ही मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट इंस्टॉल कर चुके हैं, आप भी कीजिए। और कल दोस्तों सब्सक्रिप्शन लिया दो लोगों ने, उनका नाम मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहला जो नाम था जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया वो थी कंचन बाला, और दूसरे थे वरुण कुमार। तो वरुण और कंचन दोनों को थैंक यू। आप लोगों का एग्जाम 100% क्लियर है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप देखेंगे वो आपको बैक टू स्कूल पर पहले ही मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में समास बताइए आप। देखिए, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द को, जो सार्थक शब्द होता है, समास कहते हैं। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। मृत्युंजय किसका नाम है? शिव का। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों के अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, और मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा यहां पर। मजा आया ना क्वेश्चन देख के, तो लाइक करो। निम्न में से नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति में निपुण, नीति निपुण का मतलब क्या हुआ? नीति में निपुण यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये, और इस समास में कारक चिन्ह मैं और पर लोप होता है। अगर इसमें आया हूं मैं या पर, इन दोनों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएंगे ये। और तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि नीति में निपुण ये उत्तर पद है और ये पूर्व पद है। तो इसमें याद रखना कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद ये दूसरे वाला होगा, सॉरी ये मैं आपसे बताने में गलती होगी, पूर्व माने पहले उत्तर माने बाद में, ये आप ध्यान रखना। और जो आपका समास होगा तत्पुरुष, उसके अंदर आपको चिन्ह मिलेंगे को से के लिए, में पर आदि, इन सब का लोप हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट है तिल पापड़ी शब्द में समास कौन सा है? तिल पापड़ी, देखिए तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी, तिल पापड़ी का मतलब ये हुआ। अब यहां पर समास कौन सा होगा दोस्त? यहां पर समास होगा कर्मधारय। समास यहां पर कौन सा होगा दोस्त? यहां पर समास की अगर बात करें तो समास होगा यहां पर कर्मधारय, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या जिसके अंदर उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है वो कर्मधारय होता है। तो आंसर यहां पर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र शोक शब्द का सही समास विग्रह क्या है? देखिए समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। पुत्र शोक का मतलब क्या हुआ? पुत्र के लिए शोक, यह तत्पुरुष हो जाएगा आपका, यह कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्ती। ये तो हमने पीछे भी किया था ऐसा, तो आपको पता लग जाना चाहिए। तो क्या होगा? पुत्र के लिए शोक, ऑप्शन नंबर दो ठीक होगा यहां पर, ठीक है। और तत्पुरुष समास वही हुआ जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के छह चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, लेकिन इसमें क्या है? संबोधन कारक और कर्ता कारक को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए संधि का मतलब है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या हुआ? दो वर्णों का मेल। और अगर प्रमाण की बात करें तो यहां पर व्यंजन संधि होगी। प्रमाण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या क्या होगा? प्र प्लस मान। अब इसका नियम आपसे शेयर करूं तो इसका नियम यह है कि यदि रि, रे और शे के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणय हो जाता है। यह रूल है भाई इसका। यह शब्द आपने देखा प्रमाण, प्र प्लस मान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और प्रमाण के अंदर व्यंजन संधि थी और इसका संधि विच्छेद प्र प्लस मान। यदि री, रे और श के बाद न व्यंजन आता है तो ये जो न होगा ये अणय में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? रूल होता है, जो मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देवासुर शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? देवासुर बताओ, देव और असुर, देवासुर का मतलब क्या होगा? देव और असुर, कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास। देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा तो विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास आएगा। याद रखना द्वंद्व समास का पहचान क्या होगा? द्वंद्व समास की पहचान यह होगी कि दोनों पद प्रधान होंगे, अगर आप उनको विग्रह कर दोगे, समास विग्रह करोगे तो और या देखो याद रखना, या तो और आएगा या फिर या आएगा, और ये दोनों क्या है? ये दोनों है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगेंगे। तो कंप्लीट आप सुन लीजिए, द्वंद्व समास वह समास होता है
जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंतरराष्ट्रीय शब्द में संधि कौन सी है। संधि जैसा मैंने बताया दो वर्णों के मेल को कहते हैं, अंतरराष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय को एक बार संधि विच्छेद कर लेते हैं इसका, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये अंतरराष्ट्रीय की संधि विच्छेद ऐसे होगी दोस्त, अंत प्लस राष्ट्रीय, और ये कौन सी संधि निकल कर आ गई ऐसे लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है ये, विसर्ग संधि है दोस्त। देखिए जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं आप, तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वनवास शब्द में कौन सा समास है बताओ। देखिए वनवास अगर शब्द को आप यहां पर देखें तो आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, वन में वास, उसको आप वनवास बोलेंगे, यह है आपका तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास जो है ये निकल कर आ गया है आपका। अब तत्पुरुष के अंदर ये कौन सा तत्पुरुष होगा, ये अधिकरण तत्पुरुष होगा, कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो और मे और प्रचिन्ह का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जिस जो ये पहले भी मैं आपको बता चुका था, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि समास में दूसरा पद प्रधान होगा कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, बाकी के छह चिन्हों का प्रयोग इसके अंदर होता है, सिर्फ दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, संबोधन कारक और कर्ता कारक को छोड़कर। ये जो क्वेश्चन है दोस्त ये आपको जरूर याद रखने हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, अधिकरण तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। और इससे पहले जो हमने अधिकरण तत्पुरुष समास का जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा था बताओ, ये भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो है अधिकरण तत्पुरुष समास पूछा था, वो कौन सा था क्वेश्चन वो भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषधर में कौन सा समास है बताओ। देखिए विषधर का मतलब हुआ विष को धारण करने वाला, विषधर का मतलब क्या हुआ, विषधर का मतलब हुआ विष को धारण करने वाला, यानी कि सांप, यानी कि सांप, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। अब आप बोलेंगे यहां पर बहुव्रीहि कैसे हो जाएगा, देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि एक अलग अर्थ निकल कर सामने आ रहा है, तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि विष को धारण करने वाला कौन होता है, सांप होता है, तो विषधर बहुव्रीहि समास निकल कर आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं बताओ, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होंगे। देखिए रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं, कितने भेद किए गए हैं, तीन भेद किए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहले शब्द है यौगिक शब्द, ये है पहले, दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं योग रूढ़ शब्द, और तीसरा कौन सा है दोस्त, रूढ़ शब्द। ये तीन थे, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, या इनको रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ भी बोल देते हैं। देखिए रूढ़ शब्द होते हैं हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही हैं, और इन शब्दों को खंडों में नहीं बांट सकते, जैसे राम, पुस्तक, एटसेट्रा एटसेट्रा,
लेकिन जो यौगिक शब्द है इनका निर्माण एक या एक से अधिक शब्दों के मिलने से हुआ है। जैसे राजकुमारी, राजकुमारी को तोड़ोगे तो राजा प्लस कुमारी से मिलकर बना है। और जो योग रूढ़ शब्द है वो एक या उससे भी अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को जो है प्रकट करते हैं। जैसे चंद्रमौली मतलब हुआ शिव, ठीक है। तो तीन तरीके के हो, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। इन तीनों को भी किसी दिन में बहुत डिटेल से बताऊंगा। और दोस्त, बैक टू स्कूल ही आपका ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो आपको हर सब्जेक्ट की क्लास दे रहा है, पैडागोजी के अलावा कंटेंट की भी, और एक ही टीचर विप्लव सर यानी कि मैं। तो दोस्त अप्रिशिएट आपको करना चाहिए, आपको लाइक शेयर करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब देखता हूं कि इतनी सारी वीडियोस आपके लिए दिन में डालता हूं और आप उनको देखते तो हैं, लेकिन जो डिजर्व मैं करता हूं वो मिलना चाहिए दोस्तों। आपको वीडियोस को लाइक शेयर करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा अपने दोस्तों के मोबाइल पर। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, लेकिन उससे पहले बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे कल दो लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, कंचन बाला और वरुण कुमार, उनकी तरह आप भी सब्सक्रिप्शन ले, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और 100% आप सीटेट 2021 को क्लियर करेंगे। बेस्ट 10 की हिंदी भाषा की वीडियोस ये आपके लिए मैं लेके आया था, पांचवी वीडियो थी, इससे पहले की चार वीडियोस भी देखना। नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी, इन वीडियोस को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, टेक केयर।